तो आज का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ने के लिए। मुकाबला 10-10 ओवरों का रहेगा। टॉस जीतने के बाद जीएमसी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयारी करते हुए बल्लेबाज के लिए, और पहली गेंद खेला है कवर के क्षेत्र पर, एक रन आसानी के साथ पूरा होगा। खाता खुला यहां पर जीएमसी का। अब स्ट्राइक पर मिस्टर केतन नाखवा सामना करेंगे गेंदबाज का। दूर वाले छोर से तैयार, और अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की पूरी तरह से। मैं कहूंगा कि सही लाइन और लेंथ में डाली हुई गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ी बाहर निकलती हुई। यहाँ पर सोचना होगा मिस्टर केतन नाखवा को, क्योंकि जितनी डॉट गेंदें निकलेंगी उतना प्रेशर। खेला मैं कहूँगा लॉन्ग ऑन पर, मिड विकेट क्षेत्र पर फील होगी, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा होगा। दो रन होते हुए पहला ओवर जारी है, पावर प्ले रहेंगे तीन ओवर के। एक बार फिर से अंपायर को पार किया, और खेला है मैं कहूंगा ताबड़तोड़ निकला यहां पर सांसद खेल महोत्सव चौका। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। ये हुई मैं कहूंगा खिलाड़ी वाली शुरुआत। तो अब स्कोर पर 6 रन जुड़ते हुए दूर वाले छोर से तैयारी करते हुए मिस्टर गेंदबाज चले गेंद लेकर अंपायर को पार किया। खेला है मैं कहूंगा गेब में गई है गली में, थर्ड मैन को चीरती हुई सीधी सीमा रेखा से टकराती हुई सांसद खेल महोत्सव चौका। मैं कहूंगा कोई मौका नहीं निकला सांसद खेल महोत्सव चौका। स्कोर चला 10 रनों पर। एक बार फिर से गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे, और अच्छी वापसी की है यहां पर। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, 10 रन, कोई विकेट नहीं गिरा है। आउटफील्ड इस ग्राउंड का बहुत तेज है, गेंद गिरने के बाद सीधी बाउंड्री की तरफ टकरा सकती है। तो 10 रन मैं कहूंगा कि कम है, क्योंकि इस मैदान में 16-17 रन एक ओवर में आसानी के साथ बनते हैं, क्योंकि आउटफील्ड इतना तेज बनाया गया है पीसीसी ग्रुप द्वारा। गेंद जैसे ही मैदान को छूती है सीधा सीमा रेखा का रुख करती है। उड़ाया है, मौका है मैं कहूंगा, और ये कैच छूटा है मैं कहूंगा लेग स्क्वायर पर, कोई मौका नहीं। दो रन मिलते हुए यहां पर केतन नाखवा को तारीफ करनी होगी रनिंग बिटवीन द विकेट की। ऐसे मौके मैं कहूंगा कि बार बार नहीं बनते। देखिए आप गलती करोगे तो आपकी गलती भारी पड़ेगी आपकी टीम के ऊपर। गेंदबाज ने फंसाया था केतन नाखवा को, लेकिन थोड़ी सी चूक और होता है क्रिकेट में। खेला और देखिए जो होना था वो हुआ है। तो फिर कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत का फल विफल नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता, वो सफलता की शिखर की तरफ जाता। कैच छूटा था, दो रन जरूर मिले थे, लेकिन उसके बाद फिर से गेंद डाली गई गेंदबाज द्वारा, और केतन नाखवा
कट्टन बोल्ट विकेट कीपर के दस्तानों में फंसते हुए बाहरी किनारा बल्ले का लगा सीधी विकेट कैच आउट के रूप में सांसद खेल महोत्सव में जुड़ती हुई। विकेट पहला गिरा है, 12 रन हुए हैं, दूसरा ओवर पर गति पर है। चले गेंदबाज दूर वाले छोर से, अंपायर को पार किया, उड़ाया है कवर के सर के ऊपर से, कोई मौका नहीं रहेगा क्योंकि आउट फील्ड इतना तेज है कि गेंद गिरने के बाद वन बाउंस चौके में तुरंत परिवर्तित हो जाएंगी। ये पिच सांसद खेल महोत्सव की है। बिग हिट 4 रनों के लिए। वंस मोर स्कोर चला 16 रनों पर, 16 रन स्कोर, विकेट एक गिरा है, दूसरा ओवर जारी है। चले गेंदबाज अंपायर को पार किया, धकेला है, मैं कहूंगा बाल बाल बचे यहां पर। गौरव मैडम है, देखिए मैं कहूंगा लोहा मनवाएंगे अपनी बल्लेबाजी से। ये धुरंधर है, मैं कहूंगा गेंदबाज को ऐसा कहेंगे अपने बल्ले से, खामोश खामोश खामोश। ये गौरव मैडम है, देखिए सामना करेंगे गेंदबाज का। मौका है, इस कैच को पकड़ना था, लेकिन ये कैच मैं कहूंगा अगर आप करते तो बड़ी मछली थी। ये मछली बड़ी थी जो जाल में फंसी थी। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन सूझ बूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए, कोई गलती नहीं है मैं कहूंगा। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, बेहतरीन गेंदबाज, उड़ाया है स्क्वायर लेग पर, डीप जाएगी 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। फील्डर भी बाउंड्री के बाहर, गेंद के साथ जाएंगे सांसद खेल महोत्सव में। 4 रन स्कोर चला 20 रनों पर, 2 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट गिरा है, 20 रन हुए हैं। तो चीते की चाल बाज की नजर, और क्रिकेट पे संदेह नहीं करते। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, और बुरा करोगे तो बुरा होगा। मैं नहीं, वक्त करेगा। चलते हैं बीच मैदान में, 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन 1 विकेट। तीसरे ओवर की पहली गेंद डॉट होती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, सांस लेती हुई। वसीम है गेंदबाजी पर, और बाहरी किनारा, विकेट नंबर 2, तारीफ करनी होगी वसीम की। कोई मौका मैं कहूंगा कि दे नहीं रहे। सांसद खेल महोत्सव में वसीम, मैं कहूंगा कि अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए, सुंदर गेंद बाजी के साथ, मैं कहूंगा कि ये दूसरा विकेट हासिल किया है। लाजवाब गेंदबाजी, पहले केतन नाकवा का विकेट लिया, उसके बाद मैं कहूंगा ये दूसरा विकेट गिरा है। 20 रन 2 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पर, अब जाएंगे जीतू भाई, सामना करेंगे साहिल का। वसीम का, जीतू भाई सामना करेंगे वसीम की गेंदबाजी का। वसीम ने मैं कहूंगा 3 विकेट 2 विकेट हासिल किए। चले दूर वाले छोर से वसीम, जीतू सर के लिए
और बाहरी किनारा, अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन द्वारा, गेंद के साथ वो भी गिरे हैं, मैं कहूंगा बाल बाल, अपने आप को संभालते हुए गेंद को रोकते हुए मैं कहूंगा, लेकिन एक रन से नहीं रुकेंगे मिस्टर जीतू सर। अभी स्ट्राइक पर मिस्टर गौरव मैडम सामना करेंगे वसीम की गेंद का, स्कोर चला 21 पर, दो विकेट गिरे। अब रहेगा मुकाबला कांटे की टक्कर का, वसीम और गौरव मैडम का, क्योंकि गेंदबाजी पर मिस्टर वसीम है, स्ट्राइक पर गौरव। चलते हैं एक बार फिर से, और अच्छी गेंद, लेकिन एक रन लेना चाहते हैं जीतू भाई, गौरव मैडम ने रोका कि नहीं मेरे भाई, खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खतरे में अभी अपनी बल्लेबाजी है, दो विकेट गिरे, तीसरा ओवर जारी है, तो वक्त अभी बहुत है, उसके बाद देखेंगे। और अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दे रहे हैं गौरव मैडम को, सोचना होगा, डॉट गेंदें निकलेंगी, प्रेशर स्कोर बोर्ड पर बढ़ेगा, स्कोर बोर्ड पर प्रेशर बढ़ेगा तो दिमाग की नस पर मैं कहूंगा उसका असर पड़ेगा, और मैं कहूंगा कि टेंशन लेने का नहीं, देने का। अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, सही लाइन सही लेंथ के साथ, दिल की धड़कनों से थोड़ी ऊपर गेंद जब जाती है तो मैं कहूंगा वो डॉट करार दी जाती है। ओवर 3 समाप्त, 21 रन, 2 विकेट। तो जीतू भाई और गौरव मैडम को सोचना होगा। गेंदबाजी में मिस्टर आनंद, तैयारी करेंगे गेंद डालने की, स्ट्राइक पर मिस्टर जीतू है, नॉन स्ट्राइक पर गौरव मैडम। मुकाबला कड़ा रहेगा जीएमसी और कालावड़ के बीच में। अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी आनंद की गेंद की, गेंदबाजी में कहूंगा बहुत ही बेहतरीन हुई है, एक तरफ से छोर मैं कहूंगा कि आनंद ने संभाला है, और दूसरी तरफ से वसीम ने किफायती गेंदें डालकर 2 विकेट हासिल किए हैं, तो घबराने की कोई बात गेंदबाजी की तरफ से दिख नहीं रही है। और उड़ाया है, लेकिन और दूसरे टप्पे पर मैं कहूंगा गेंद फंस चुकी है हाथ में, थोड़ी सी मैं कहूंगा कि गेंद फंसने से पहले छूट रही थी, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि मौके पे तीन विकेट गिरते हुए चौथा ओवर प्रगति पर है, और जीतू भाई का भी अभी सांसद खेल महोत्सव में थर्ड मैन ने कैच पकड़ा है। अब नए बल्लेबाज के रूप में सत्य राज जडेजा आए हैं। हा भले हाल, देखते हैं। और ये राज है, राज सत्य राज, हा भले हाल, चोको गाइड हमारा भाई आ थी ने सत्य राज वाली पारी। आप सुन रहे हैं ये स्कोर 25, विकेट 3 गिरे, लेकिन धुरंधर बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद है, आनंद का सामना करेंगे, क्योंकि अब कांटे की टक्कर होगी। और ये एक रन आसानी के साथ यहां पर मिलेगा, लेग खेला है मैं कहूंगा, हल्के हाथों से स्क्वायर में गेंद गई है, नो बॉल, फ्री हिट मिलेगी यहां पर गौरव मैडम को, भरपेट खाना है, बिल भी नहीं चुकाना है, अगर बड़ी हिट लगाते हो 6, अगर नो बॉल पे आप लगाओगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा आपकी टीम की तरफ से। सत्य राज जाडेजा नॉन स्ट्राइक पर,
हाँ भले हाल। और यहां पर नो बॉल हाना का चक्कर, रन आउट का मौका, लेकिन बाल बाल बचे हैं। कहते हैं कि दिन शायद आज खराब है, लेकिन किस्मत में कहूंगा फिर भी अच्छी है मिस्टर गौरव वाडम की, क्योंकि जल्दबाजी में इंसान गलतियां करता है, लेकिन किस्मत में कहूंगा साथ देती हुई गौरव मैडम का। नो बॉल के वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो ये चौथे विकेट का पतन हो सकता था। एक बार फिर से आनंद की गेंद गौरव मैडम के लिए, खेला है मैं कहूंगा, लेकिन पोलो थ्रू में खुद आनंद ने गेंद को रोका है और कहा है कोई मौका नहीं दूंगा गौरव मैडम आपको क्रीज छोड़ने का और रन लेने का। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। तो कहानी सांसद खेल महोत्सव की जारी है, जीएमसी वर्सेस कालावड़, और उड़ाया है गेंद को, बड़ी देर के बाद शायद ये बाउंड्री निकल सकती और निकली है सांसद खेल महोत्सव की 4 रनों के लिए। स्कोर 29। अब आए बल्लेबाज मिस्टर सत्य राज जडेजा। हाँ भले हाल, जो ये क्यों हो मारो भाई रमेश जी। सत्यराज एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक सुलझे हुए बल्लेबाज, सुलझे हुए गेंदबाज, सुलझे हुए फील्डर। तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी को, अगर आप आउट करोगे तो मैं कहूँगा कि मैच में आप अपनी पकड़ बना सकते हो, लेकिन इसके बाद कपू है, आरिफ दल है, तो कहानी तो मैं कहूंगा कि बल्लेबाजी की लंबी है। स्कोर 29 पर 3 विकेट गिरे हैं। एक बार फिर से उड़ाया, ताबड़तोड़ खेला स्क्वायर लेग पर, कोई मौका नहीं, डीप गई गेंद 4 रनों के लिए। खेला सुंदर, ताबड़तोड़ फैसला लिया है, बेहतरीन स्ट्रोक उड़ाया है, सीधी गेंद वन बाउंस के रूप में चौके में परी। ये मैं कहूंगा कि अब करारे प्रहार करने शुरू हो चुके हैं, अगर ये पार्टनरशिप आप तोड़ोगे नहीं तो स्कोरबोर्ड रुकने वाला नहीं है। ये है सत्यराज जडेजा। हा भले हा, तो यहां पर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज चावड़ा उड़ाया, मैं कहूंगा डीप मिड विकेट के क्षेत्र से 4 रन। स्कोर 43। एक बार फिर से चावड़ा की गेंद और चूके हैं इस बार, नाखुश, पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन कहते हैं ना हर गेंद पर चौका लगाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इम्यूनिटी फिटनेस का ये खेल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी, और जब जब गलती होगी तब तब गेंद डॉट करार दी जाएगी अंपायर द्वारा, तो यहां पर सोचना होगा आपको। उड़ाया है, वही स्ट्रोक खेला, बिग हिट में परिवर्तित किया है कि मेरे भाई मेरा नाम सत्यराज जडेजा है। फरज समझीने तने करवा माटे कहू छु तारे आऊ। बड़ी बात है, जिंदगी ये छोटी है, उसे पूरी वसूल कर और उसे सीधा खेल कर मैं कहूंगा कि बड़ी हिट
मैं परिवर्तित किया है मिस्टर सत्यराज जडेजा ने। जो का निकला है सांसद के महोत्सव का, पांच ओवर की समाप्ति, 53 रन, 3 विकेट। तो हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं रहते, हम जहां खड़े हो जाते हैं कमेंट्री की लाइन वहीं से शुरू होती है। 100 लोमड़ियों का दूध पी के पलाइए पुष्पराज, कमेंट्री के मामले में कटलेस, झुकेगा नहीं तो कहानी। आनंद के हाथों में गेंद और बल्ले बाजी के छोर पर मिस्टर गौरव मैडम, खेला है मैं कहूंगा कि पूरी तरह से बल्ले पर गेंद चढ़ी नहीं है, मिड विकेट पर फील्डर गिरता हुआ लेकिन गेंद को पूरी तरह से संभाला है, छोड़ा नहीं है, नतीजे में एक ही रन मिलेगा, स्कोर जाएगा 54 पर। तो जहां नजर हटेगी वहां दुर्घटना घटेगी, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उड़ाया है, मौका है, बड़ी मछली है, कौन पकड़ेगा, एक हाथ से पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, आप ये कैच कर सकते थे, बड़ी मछली थी। मैं कहूंगा ऐसे मौके बार बार नहीं बनते, सत्यराज जडेजा का विकेट आपको लेना चाहिए था। अगर इस मैच में आपको वापसी करनी है तो मैं कहूंगा कि यह कैच पकड़ना अनिवार्य था। मौका मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा बना था, आनंद की गेंद पर पूरी मेहनत लगाई थी, फंसाया था यहां पर जाल में। एक बार फिर से आनंद की गेंद, सामना करेंगे गौरव और अपनी ताकत जरूर लगा रहे गौरव मैडम, लेकिन शायद इतनी तेजी के साथ बल्ला आया नहीं है, मिड विकेट के क्षेत्र पर स्क्वेयर गई है गेंद लेग की तरफ, स्कोर चला 56 रनों पर, 3 विकेट गिरे, छठा ओवर जारी है। सत्यराज मैं कहूंगा अब भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका कैच आपने छोड़कर उन्हें पूरी इजाजत दे दी है खुलकर खेलने की, और देखिए ये बल्लेबाज आपको भारी पड़ने वाला है अब। हाँ भले हाल, तो अब खेल ले दिल खोलकर। रन हल्के हाथों से धकेला है, लेकिन एक रन लेने का मौका मिस्टर आनंद देने वाले नहीं है। कहा गेंद उठाने के साथ ही अगर हिलने की कोशिश की गई दोनों ही छोर से तो विकेटों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बल्लेबाज बल्ला उठाता है तो वो आनंद को याद करता है। और ये सत्यराज जडेजा है, मौका है दूसरा, ये और ये दूसरी गलती, अब खैर नहीं है क्योंकि दो कैच एक ही बल्लेबाज का आपने छोड़ा है। ओवर की समाप्ति, अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से सत्यराज जडेजा रहेंगे, और देखिए ये कैच छूटने की आतिशबाजी होती हुई, जैसे ही मैं कहूंगा कि सत्यराज जडेजा का कैच छूटता है तो ठीक उसी वक्त पर पटाके मैदान के बाहर फूटते हुए, तो पूरी टीम पटाके लेकर खड़ी है जीएमसी की, जो सत्यराज के कैच के छूटने के साथ ही हल्ला मचाती हुई। कितना रन थिया भाई, रन कितना थिया, 6 ओवर, 6 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट, 63 रन, 63। चले गेंदबाज, उड़ाया है, अब कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दो कैच छूटने के बाद इस बल्लेबाज को पता चल गया। जलसा कर,
રોજ ઉઠી બાપા જોડે 200 રૂપિયા માંગ, ના પાડે તો પાકેટ માંથી પૈસા ચોરી ભાગ, ગુસ્સે થાય તો પિક્ચર જોવા આખી રાતે જાગ, બીડી એમની ફૂકી જજે જ્યારે મળેલા. દેખીએ સત્યરાજ અબ રુકને વાલે નહીં હે, સ્કોર 69 પર જાતા હુઆ, 70 મેં એક કમ, સાતવા ઓવર જારી હે. और 7 तारीख से महामुकाबले शुरू होने जा रहे हैं. व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ स्कोर चला. कल से महामुकाबला शुरू होने जा रहा है. 7 तारीख से दो क्वार्टर और एक सेमी रहेगा. 8 तारीख को दो क्वार्टर और एक सेमी रहेगा. 9 तारीख को फाइनल रहेगा. सांसद खेल महोत्सव की इस खेल की पारियों की अंत की कहानी मैं कहूँगा कि 9 तारीख को फील्डर दौड़ते हुए आनंद, लेकिन रोकना चाहते हैं. बड़ी मुश्किल से गेंद रुकी है. बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ. 72 रन. तो जब भी 72 आते हैं तो गांव तासी याद आ जाता है. नाम 72, गांव तासी, जिला मालखानपुर. हाथ में सुदर्शन चक्र और सर पर हाथ वासुदेव कृष्ण का. उड़ाया है, कोई मौका नहीं मिलेगा. 100% काला है. लगा लो बालों पे इस गेंद पर निकलने वाला सांसद खेल महोत्सव चौका. देखिए सत्यराज 50 में एक रन कम खेल रहे हैं उन 50 पर. 49 पर सत्यराज जाडेजा का बल्ला बोलता हुआ और यहां पर शायद उनकी 50 पूरी होगी. तो हाँ भले हाल, तारा 50 पूरा मारा भाई. और गेंद देखिए जाना कहां चाहती थी और जा कहां रही है. तीन फील्डरों को चकमा देती हुई वसीम ने गेंद को थ्रो किया है. डीप लोगों पर खड़े थे वो, वहां गई कवर से. तो कम से कम 25 मीटर का सफर करती हुई गेंद. चावड़ा गेंदबाजी पर और खेला है मिड ऑन पर. और देखिए एक रन सिंगल ही लेना चाहते हैं. ओवर की समाप्ति. मैडम जानते हैं कि भाई सत्यराज बेहतर है मेरे से, तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है. 7 ओवर की समाप्ति. क्या तो भाई 83 स्कोर, 83 रन थिया. 7 ओवर पूरी थई, 83 रन थिया. 3 विकेट उपड़ी. स्ट्राइक ऊपर सत्यराज जाडेजा, नॉन स्ट्राइक पर गौरव मैडम ने गेंदबाज वसीम, बॉलर वसीम. चले दूर वाले छोर से मिस्टर वसीम. खेला है, कोई मौका नहीं मिलेगा आपको अब, क्योंकि इन 18 गेंदों में कम से कम मैं कहूंगा कि 40 रन बटोरेंगे. तो ये कहानी मैं कहूंगा कैच छूटने की कितनी भारी पड़ेगी आपको. ये बची हुई 17 गेंदों में आपको पता चल जाएगा कि सत्यराज जाडेजा का कैच छोड़ने का जो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा. स्कोर बोर्ड के साथ लपेटे में आ चुकी है कहानी पूरी. किसी भी तरह से विकेट लेना होगा आपको सत्यराज का. अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी वसीम की. देखिए यहां पर हौसले जिसके बुलंद हैं, कामयाबी उसके कदम चूमती है, क्योंकि गम और खुशी जिंदगी का हिस्सा है. मैं कहूंगा समझ को समझ तो समझूं, समझ समझ कर भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे. अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन द्वारा,
तारीफ करनी होगी यहां पर वसीम की गेंद बाजी की। अभी तक मैं कहूंगा हथियार नहीं डाले, अपनी गेंदबाजी का जौहर और लोहा मनवाते हुए, लेकिन ये सत्यराज जडेजा ना रुका है ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा बल्लेबाजी के मामले में। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक डीजे युवराज। ना रुका है ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक सत्यराज जडेजा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दो कैच आपने छोड़कर जो गलती की है उसका खामियाजा स्कोर बोर्ड भुगतेगा। उड़ाया सांसद खेल महोत्सव में ये बिग हिट है आज के दिन की सिक्स वंस मोर। बल्लेबाजी के मामले में सत्यराज जडेजा नायक नहीं खलनायक है, ये छोड़ेगा नहीं अब गेंदों को, तोड़ेगा सीमा रेखा की बाहर भेजेगा हर गेंद को। और यहां पर अच्छी वापसी की है, ओवर की समाप्ति, आठ ओवर समाप्त, तीन विकेट गिरे हैं, स्कोर 101 स्कोर होता हुआ, अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। जंगल में अगर कोई जानवर दो कदम पीछे लेता है तो आपको समझना चाहिए कि उसके सामने शेर आ गया है। अगर शेर दो कदम जंगल में पीछे लेता है तो आपको समझना चाहिए कि उसके सामने पुष्पराज आ चुका है, झुकेगा नहीं। गेंदबाजी पर मिस्टर भोजानी, सामना करेंगे गौरव मैडम। और गौरव मैडम ने, मैं कहूंगा कि अपनी ताकत का जौहर दिखाया है और कहा है भोजानी से कि आ देखे जरा किस में है कितना दम। ठीक है, ढोल नगाड़ा वाग्या करे, ताकत का लोहा मनवाते हुए ढोल नगाड़ा वाग्या करे, मारो कानूड़ो रहड़े। एक बार फिर से मिस्टर भोजानी चले गेंद लेकर, अंपायर को पार किया और वाइट का इशारा अंपायर ने दिया, तो कहानी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लपेटे में आती हुई, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर विकेट मिला है, तारीफ करनी होगी मिस्टर भोजानी की जिन्होंने चौथा विकेट प्राप्त किया है सांसद खेल महोत्सव में, वो भी बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज गौरव मैडम का। झुके हुए कांधों के साथ, मायूस कदमों के साथ डग आउट जाते हुए मिस्टर गौरव मैडम। भाई श्री आदित्य भाई गढ़वी ने रजू करू छू आपनी पार्थ आए स्ट्राइक पर, नए बल्लेबाज पार्थ सामना करेंगे भोजानी का, नॉन स्ट्राइक पर सत्यराज जडेजा अभी स्ट्राइक पर आ चुके हैं। तो पार्थ ने आने के साथ सिंगल लेकर एक अच्छा काम किया, स्ट्राइक सत्यराज जडेजा को दी। और यहां पर बाहर निकलकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। कहते हैं कि एक विकेट का खुराक जब गेंदबाज को मिलता है तो उसके हौसले, मैं कहूंगा कि बुलंदियों को छू लेते हैं, क्योंकि खुराक गेंदबाज को जरूरत विकेट की होती है वो मिल चुकी है। तो अब मैं कहूंगा कि भोजानी हावी रहेंगे, लेकिन सत्यराज ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ठाकुर साहब, हमने
ये बड़ा बहु वालो जीवन जीवाड़े बड़े हाउ ने नचाड़े अन दुनिया ना रंगो एनी नजरे बताड़े बोले मिट्टू मत जीव बता ने फसावे पाछो एना सुर ताले आखा जग ने रमाड़े हस तो हसाओ तो ने गीत गवड़ाओ तो राज राखे दुनिया बाजीगर जो ने केवो जादूगर दिलो ने मिलावे गमे तेम एवो कारीगर रंग रंगलो वाली एक बार फिर से भोजानी की गेंद सत्यराज में कहूंगा कि ओवर की समाप्ति करवाते हुए आखिरी गेंद डॉट निकालते हुए तो नौ ओवर की समाप्ति चार विकेट 115 रन आखिरी छह गेंदे जिसका सामना करेंगे मिस्टर पार्थ गेंदबाज का नाम हम जानना चाहेंगे तुषार गेंदबाजी पे रहेंगे पार्थ का सामना करेंगे आखिरी ओवर में मिस्टर तुषार और पार्थ ने ये कहा है कि आओ मारा भाई आओ तुषार दीदी गामला मां करालो जाननंद जी नो लालो हमने प्राण दिए प्यारो इतो लागे बहु वालो जीवन जीवाड़े बड़ी हाउ ने नचाड़े अन दुनिया ना रंगो एनी नजरे बताड़े बोले मिट्टू मत ये कहानी वासुदेव कृष्ण की है जो सारे दुनिया के रंग दिखाते हैं कि उसे व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला है और अतिरिक्त के रूप में एक रन लिया है तीसरा रन लेना भी शायद चाहते हैं लेकिन सत्यराज जाडेजा ने ये कहा है कि मेरे भाई तू वहीं रुक अब जो कहानी है उसे मैं पूरी करूंगा उड़ाना चाहते थे लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद मिस्टर भोजानी ने एक हाथ से गेंद को रोका एक ही रन लेने का मौका दिया स्ट्राइक पर पार्थ आ चुके हैं मैं कहूंगा तुषार का सामना पार्थ करेंगे हाल भाई हाल पार्थ कहते हुए तुषार सर से ना को दौड़ो और पार्थ ने मैं कहूंगा खेला स्क्वेयर डीप लॉन्ग ऑन साइड में ना मिड पर है ना स्क्वेयर पर है गेंद सीधी बाउंड्री की सेर पर थी लेकिन फील्डिंग वहां पर बेहतरीन होती हुई तारीफ करनी होगी और उड़ाया है मैं कहूंगा मिड विकेट क्षेत्र पर एक टप्पा दो टप्पे के बाद फील्डर चौकन ने वो ये कहते हुए कि अब तो कुछ ही गेंदे बची है लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट तारीफ करनी होगी सत्यराज जडेजा की सत्यराज जडेजा मैं कहूंगा कि बल्लेबाजी के मामले में नायक नहीं खलनायक है वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है अभी तक चार विकेट जरूर गिरे लेकिन सत्यराज ने 79 पर खेल रहे थे और ये बड़ी हिट निकालने के साथ उनके 85 रन होते हैं अगर दो चार हीटे लगाई होती तो आपकी भी सदी घबड़ाओ तो राज रखे दुनिया ने मुख मलकाओ तो दिल नो ए बाजीगर जो ने के वो जादूगर दिलो ने मिलावे गमे तेम अभी भी मौका है और ये उड़ाया हेलीकॉप्टर दाम दंड भेद कोई पण उपाय प्रेम पड़बू एना माटे एक रमत छे बल पछी दिल ना कटका थई जाय खटखट ना कराळ जाननंद जी नो लालो हमने प्राण दिए प्यारो इतो लागे बहु वालो जीवन जीवाड़े बड़ी हाउ ने नचाड़े अन दुनिया ना रंगो एनी नजरे बताड़े बोले मिट्टू मत जेवू बताने फसावे पाछो एना सुर ताले आखा जग ने रमाड़े हस तो हसाओ तो ने गीत गवड़ाओ तो राज राखे दुनिया ने मुख मलकाओ तो दिल नो ए बाजीगर जो ने केवो जादूगर दिलो ने मिलावे गमे तेम एवो कारीगर रंग रंगलो वळी थोड़ो छे हटी लो मारो कानूडो गोडी लो सदा रहे तो मजी लो कमर कमर मारू वल्लोणू गाजे कमर कमर मारू वल्लोणू गाजे श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े માવીને મારી મટુકી ફોડે મટુકી ફોડે ને મારા મહીડા ચોરે મટુકી ફોડે ને મારા મહીડા ઢોળે માવીને મારી મટુકી ફોડે માવીને મારી મટુકી ફોડે
કાથે હું તો વાહણી વગાડું વાહણી વગાડી હમણા દલડારી જાવું જમના ને કાથે હું તો વાહણી વગાડું વાહણી વગાડી સૌના દલડારી જાવું વાગી વાગી હે વાગી વાગી વાહણી ને ભૂલી હું તો વાન વાગી વાગી વાહણી ને ભૂલી હું તો વાન ચામ આવીને મારી મટુકી ફોડે ચામ આવીને મારી મટુકી ફોડે મટુકી ફોડે ને મારા મૈડા ડોળે મટુકી ફોડે ને મારા મૈડા ડોળે શામ આવીને મારી મટુકી ફોડે શામ આવીને મારી મટુકી ફોડે હા જય હો तो देखिए 140 रन करने होंगे 60 गेंदों में, जीएमसी ने 139 रन किए। तो अभी अभी जो भजन चल रहा था वासुदेव कृष्ण का, तो मैं आपको बता दूं किसी भी हालात में अगर आपकी जिंदगी की नई अपार लगा सकते हैं तो वो मुरली मनोहर वासुदेव कृष्ण है। तो कहानी घनश्याम की मैं कहूंगा कि लाख छुपाने की कोशिश करो, वो धरती का सीना और आसमान के सितारों से बाहर आने की ताकत रखते हैं। तो चलते हैं बीच मैदान में, 140 रन आपको हासिल करने हैं तो दिखाना होगा आपको अपनी बल्लेबाजी का दम। गेंदबाज का नाम हम जानना चाहेंगे। स्ट्राइक पर मिस्टर मोहित, नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर रेनिस, जेतू भाई गेंदबाजी पर खुद गब्बर, खुद मुखिया, खुद कप्तान जैक्स पेरो, समुद्री लुटेरा मिस्टर जीतू सर गेंदबाजी पर मोहित का सामना करेंगे। 140 रन बनाने, कम वक्त में बड़ा कारनामा करना है मोहित और रेनिस। मोहित ने पहली गेंद को लपेटे में लिया है और कहा है कि मेरे भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बल्लेबाजी के मामले में हम भी झुकेंगे नहीं और ना रुकेंगे। चौका, सांसद खेल महोत्सव बाउंड्री, कोई मौका नहीं ठाकुर साहब। गेंद गई 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। व्हाइट अतिरिक्त जुड़ता हुआ जीतराज का स्वागत करते हैं। तो देखिए 5 रन और अज्जू बैठे हैं, देखिए एक बाज बैठा है मैं कहूंगा। एक रन जरूर मिला है यहां पर, स्कोर चला 6 रनों पर। गेंदबाजी पर मिस्टर जीतू भाई और अब स्ट्राइक पर मिस्टर रेनिस हैं। मोहित नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं, रेनिस के लिए जीतू भाई गेंद डालेंगे दूर वाले छोर से। विकेट कीपिंग पर मैं कहूंगा केतन नाकवा है, गोती लो गोती लो।
और देखिए यहां पर एक रन। स्कोर चला 7 रनों पर, जीतने के लिए 140 रन बनाने हैं तो बड़ी हिटें लगानी तो आपको पड़ेंगी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और मौका बनाया था, मैं कहूंगा कि चूके हैं विकेट कीपर केतन नाखवा। मैं कहूंगा कि जिस गलती का खामियाजा बल्लेबाजी वाली टीम ने भुगता था, आपने भी वही कहानी शुरू की है, तो नतीजे आपके खिलाफ जाएंगे कैच छूटने के साथ। अच्छी फील्डिंग, आरिफ दल है वहां पर, बूम बूम, एक चीते की रफ्तार से गेंद पर आना वो बखूबी जानते हैं, लेकिन जाएंगे डीप लॉन्ग ऑन पर। कल्पेश दलवाड़ी, सारे धुरंधर हैं, एक बार फिर से। और अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, 8 रन, 9 लॉस। नए गेंदबाज मिस्टर जयराज सिंह रहेंगे स्ट्राइक पर, मोहित सामना करेंगे जयराज सिंह का। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर है फायर। झुकेगा नहीं, चले गेंदबाज। और हमारे बेहतरीन साथी कमेंटेटर आ चुके हैं उपेन व्यास, तो उनका मैं स्वागत करूंगा। एक मंझे हुए कमेंटेटर, विकेट यहां पर गिरा है, मैं कहूंगा मोहित का खुश नहीं है अपने इसी स्ट्रोक से, शायद वो गलती कर बैठे हैं। नए बल्लेबाज अब आनंद आएंगे, आनंद को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा क्योंकि 140 रन आपको लगाने, दूसरा ओवर है। तो मैं 8 रन 1 विकेट में यहां पर नियोता दूंगा हमारे माननीय श्री उपेन भाई व्यास को। देखिए स्क्वायर खेला है, आने के साथ ही आनंद ने बाउंड्री निकाली है, सांसद खेल महोत्सव चौका, जिसे किसी ने नहीं रोका, वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है, मिस्टर आनंद बाउंड्री निकालते हुए सांसद खेल महोत्सव में अपनी टीम के लिए। उपेन व्यास आ चुके हैं हमारे बीच, एक मंझे हुए कॉमेंटेटर। बड़ी हिट है, कोई मौका नहीं, रिवर्स शॉट खेला है, मैं कहूंगा ताबड़तोड़ फैसला लिया है यहां पर बाउंड्री का। ये अच्छी बल्लेबाजी सूझबूझ के साथ, टाइमिंग के साथ, इसी तरह लगातार आपको खेलना होगा, क्योंकि अगर ताकत रुकी इस कहानी में तो फिर इस युद्ध में मैं कहूंगा जीतेगा वही जो ताबड़तोड़ फैसले लेगा। ये रणभूमि मैं कहूंगा कि क्रिकेट के वीरों की है। उड़ाया है मिस्टर आनंद, लगातार तीसरी बाउंड्री डीप मिड विकेट पर निकाली है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, 3 चौके लगाने वाले को आनंद कहते हैं। ये हुई ना खिलाड़ियों वाली बात। एक बार फिर से, और यहां पर देखिए हाना का चक्कर, खतरा उठाया है और बचे बाल बाल, लेकिन अब रन मिल सकता है, लेकिन आरिफ दल है वहां पर, कोई मौका देंगे नहीं। चीते की चाल, बाज की नजर, और आरिफ दल के थ्रो पे संदेह नहीं करते। तो आगे इस ओवर के बाद मैं कहानी दूंगा हमारे, और उड़ाया है, कोई मौका शायद नहीं रह सकता है यहां पर। आउटफील्ड बहुत ही तेज है, 2 टप्पा खाने के बाद गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन पर, सांसद खेल महोत्सव के लिए चौका। तारीफ 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 करनी होगी इस ओवर में लगाई हुई बाउंड्री की।
दो ओवर की समाप्ति, 24 रन गेंदबाजी पर मिस्टर जीतू भाई कंटिन्यू रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर आनंद रहेंगे, स्ट्राइक पर रेनिस रहेंगे। और इस तरीके बोले तेरा जीजा मुझे जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मेरा दिल किया इसलिए मैं गया, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है फायर, झुकेगा नहीं। पहली गेंद, शुक्रिया, पहली गेंद यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन का इशारा मिलता हुआ, संसद खेल महोत्सव चौका, और ये जो अभी टीम खेल रही है उसका सही ताल्लुक मुझसे है, यानी कि हमारे गांव की टीम है, ध्रोल की टीम है, तो सराहना करनी पड़ेगी, और ध्रोल के सभी जो हमारे पधारे हुए मेहमान है, खिलाड़ी है, उनका हार्दिक अभिवादन है कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ लाए, अच्छा किया। इस बार खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, डॉट बॉल, और बिल्कुल सांसद खेल महोत्सव बीच में जो विश्राम था उसमें उसका यूज करते हुए यहाँ पर एक और टूर्नामेंट, कल से यहाँ पर सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल का राउंड शुरू हो जाएगा। इस बार करारा स्ट्रोक, गेंद देखिए हवा में, लेकिन फील्डर उसके पीछे, लेकिन शायद चार रन का इशारा, क्योंकि आउटफील्ड हम पहले ही बता चुके हैं कि काफी आउटफील्ड तेज, एक बार टप्पा खाती है तो गेंद सीधी बाउंड्री को हालो करती है, चार रन के साथ कुल योग सहिल बताएंगे 32 पर तब्दील होता हुआ। ध्रोल के ये जावाज खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, खाली इलाका ऑन साइड में, फील्डर वहां पर फील्ड करते हैं, दूसरा रन का मौका था, लेकिन एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट, और कुल योग 33। बिल्कुल रवा तबसरा यूट्यूब पर आप देख और सुन सकते हैं। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, विचारों को विश्राम मिला, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, नई सोच के साथ बॉलर चल दिए अपने मकाम पर। बिल्कुल यहां पर एक आदर्श वातावरण, जो क्रिकेट के सभी जो यहाँ पर नियम है लागू किए जाते हैं, और खास करके जो प्रदर्शन ग्राउंड है वो काफी मक्का समान, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल आजादी मिलती है, और दो बाउंस के साथ स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल से निकलता हुआ सांसद खेल महोत्सव चौका, किसी ने नहीं लेगा। डीजे एक ओखा नगर पालिका उसकी टीम और जामनगर तालुका पंचायत उनकी टीम को यहां पर हम दावत देते हैं कि टॉस की रस्म अदा करने के लिए बिल्कुल हमारे आयोजकों से मिले, अगर हमारी आवाज सुनते हैं तो टॉस करने के लिए दोनों टीमों के कप्तान को यहां पर आमंत्रित किया जाता है। 3 ओवर 37 रन, एकमात्र विकेट गिरा है ध्रोल का, तो ध्रोल के दो जाबाज बल्लेबाज बेल खोल यहाँ पर छाए हुए हैं, एक लंबा टारगेट का पीछा करने का मौका मिला है, और अपना जोहर दिखाने का भी मौका मिला है, तो ये दोनों बल्लेबाज अपनी बारी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, संभाल रहे हैं। मिस्टर जयराज बिल्कुल अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल, स्कोर अभी भी रुका हुआ, बिल्कुल इंटरनेशनल हाईवे पर चहल पहल जारी, बीच मैदान पर संघर्ष जारी, बॉलर के सर के ऊपर से ऑन साइड में, जब तक फील्डर वाइड इस मिड विकेट बिल्कुल दायरे के पास उनको उठाते थ्रो करे, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर बदल गए, और नई सोच के साथ बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। अगली गेंद,
इस बार कट करना चाहते थे या गेंद ने बल्ले का बारी किनारा लिया, लेकिन गेंद नीचे रहती हुई सीधी विकेट कीपर के पास पहुंची थी, इसलिए रन की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन यहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। मिस्टर जीराज लंबे बॉलिंग मार्क पर दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा दिमाग वाला स्ट्रोक था, यानी कि जैसी गेंद वैसा सुलो के एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। ओखा इलेवन ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल आने वाले मैच का ये ब्यौरा था। इस बार मोड़ दिया है फाइनल इलाके में, फील्डर उसके पीछे, गेंद को पैर से रोकना चाहते थे लेकिन शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। गोती लो, बाउंड्री गोत लिया है, ढूंढ लिया है यहां पर ड्रॉल के बल्लेबाजों ने। अगली गेंद, ये झारियाना अंदाज से खेलना चाहते थे। ओवर की शायद समाप्ति घोषित करते हुए अंपायर और एक डॉट बॉल खुली होगा। चार ओवर और 43 रन, बिल्कुल दो बल्लेबाज यहां पर अपनी बारी को सवार रहे, सजा रहे हैं और मजबूती प्रदान कर ले। लेकिन जैसे हमारे साथी कमेंटेटर पुष्पा ने बताया कि लंबे स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा, आपको चार को छह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक को दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिस्टर अनुरोज सिंह झाला जीबी वाले अनुरोध सी शायद होंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक ज़माना हुआ करता था जयराज इलेवन से खेलते थे और एक तरफ जाला और एक तरफ लाला ऐसा स्लोगन मिला था। तो फिलहाल अनुरोध सी पहली गेंद, इस बार देखिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन की, यानी कि हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर आ रही है डैम वन बाउंस चौका। भाई ध्रोल वाला जे रेवा नहीं दिए चौका मार से ज। अगली गेंद, इस बार फिर से मुड़कर खेलना चाहते थे, ये एक्शन रिप्ले करना चाहते थे, पिछले स्ट्रोक का रिप्ले करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल यहां पर विश्राम मिला विचारों को, नई सोच के साथ बॉलर अनुरोध सिंह चल दिए अपने मकाम पर। अनुरोध सिंह इस बार रिवर्स वे पे खाली इलाका, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, रोकने का कोई मौका नहीं। जैसे ही रिवर्स स्वीप खेला उसके ऊपर चार रनों की संसद खेल महोत्सव की मोहर लगाई। बिल्कुल इस ओवर में सेट हो चुके हैं, यानी कि बल्लेबाज तो पहले से ही सेट है लेकिन अपना परिचय दे रहे हैं बॉलर को। बिल्कुल प्रदर्शन ग्राउंड व्हाइट लाइट से नया हुआ और क्रिकेट का संघर्ष जारी। एक्स्ट्रा कवर की और वहां पर फील्डर पहले से ही मौजूद थे, इसलिए नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज जरूर निकले थे लेकिन
जैसे ही गेंद को फील्ड होते हुए देखा, खतरा देखा, दोनों ने कदम वापस खींचे अपनी क्रीज पर। और पुष्पा देखिए मैच का लुप्त उठाते हुए हमारे साथी कमेंटेटर। अगली गेंद, इस बार देखिए यहां पर गेंद की लाइन में आए बगैर बल्ला घुमाया था, गेंद शरीर पर टकराई, बॉलर ने खुद कब्जा किया और चल दिया अपने बॉलिंग मकाम पर। कुल मिलाकर 51 बन चुके हैं पांचवा ओवर प्रगति पर। इस बार विकेट कीपर बल्लेबाज दोनों चुके, थर्डमैन के फील्डर ने कब्जा किया, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज क्रॉसओवर करते हुए कुल योग 52 पर तब्दील होता हुआ ओवर की समाप्ति घोषित करते हुए हमारे अंपायर। और देखिए यहां पर जो भी करना है दोनों बल्लेबाजों को करना है, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। तीस गेंदे और 88 रन बनाने हैं, लंबे स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। देखिए आपका रिक्वायर रन रेट काफी हाई हो चुका है, जो भी करना है आपको ही करना है। बाकी तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट की है जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां हैं वो आपको अपने गिरफ्त में लाना है, तो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल छोटी सी गुप्तगु दोनों द्रोल के बल्लेबाज के बीच, क्या रणनीति होगी जरूर उसके ऊपर ही बातचीत की होगी कि आने वाले बॉलरों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल फील्ड को भी सजाया जा रहा है, किसी को आगे भेज रहे हैं, किसी को पीछे भेज रहे हैं, ये भी जरूरी है। और क्रिकेट न केवल ताकत का गेम है लेकिन दिमाग का भी उतना ही आवश्यकता रहती है, दिमाग की भी। इस बार दिमाग वाला स्ट्रोक, नो बॉल का इशारा और फ्री हिट मिलेगी तो तोहफा भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पर ध्रोल के जो बल्लेबाज सोच रहे थे उसमें काफी उनको यहाँ पर सहायता मिली है, यानी कि नो बॉल, चौका, कुल मिलाकर 5 रनों की बढ़ोतरी और फ्री हिट। भक्ति ना देखेंगी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त। इस बार गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से कैच छूटा, उसके नीचे आने की कोशिश की और हाथ में भी लगी गेंद, लेकिन दोनों बल्लेबाज 2 रनों के साथ खुली होगा 59। एक जीवदान मिला था क्योंकि ये नो बॉल था, इसलिए इसको गिना नहीं जाएगा, लेकिन उसका फायदा ज्यादातर बॉलर को मिला क्योंकि सिर्फ 2 रन दिए नो बॉल पर। अच्छी गेंद, इस बार लपेटाए गेंद को, लेकिन गेंद ने सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। बिल्कुल मिस्टर दलवाड़ी ने वो कैच पकड़ा था, बिल्कुल रास्ता दिखाया यहां पर ध्रोल के ये जाबाज बल्लेबाज मिस्टर आनंद अपनी तरफ से एक अच्छी बारी खेलने के साथ। बल्लेबाज पश्चिम की आजमाइश काफी हत्या करते, और देखिए ताकतवर बल्लेबाज है, उनके बल्ले में अगर पाला पड़ गया, उनके रडार में गेंद आएगी तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। फिलहाल सामना करते हुए पहली गेंद का, इस बार मोहर दिया है मिड विकेट के इलाके में, फील्डर वहां पर पहले से ही पेट्रोलिंग करते हुए जब तक उठाए थ्रो करे, एक रन के जरिए खाता खुला अपना।
जैसे जैसे गेंदे निकलती जा रही है, रनों का प्रेशर बढ़ता हुआ और ये आगे जाके सरदर्द बन जाएगा। फिलहाल जो सेट बल्लेबाज है उनको यहाँ पर देखिए चौका मिलता हुआ और नोबल का इशारा भी मिलता हुआ। अकला प्रकारा करता हमारा डीजे, थैंक यू। काफी देखिए बल्लेबाज अगर चौका छक्का लगाता है तो झोम चढ़ जाता है और दूसरा है म्यूजिक अगर उनको सुनते हैं तो भी झोम चढ़ जाता है। बिल्कुल वही काम करते हुए हमारे डीजे शुक्रिया। बीच मैदान में थोड़ी सी बातचीत हो रही है, खेल रुका हुआ, बिल्कुल नियम को फॉलो करना पड़ता है और नियम इसीलिए है कि कानून में रहेंगे तो फायदे, यानी कि कायदे में रहोगे पुष्पा तो फायदे में रहोगे, ये उनका स्पेशल डायलॉग है। खुली होगा 65 के ऊपर रुका हुआ, नए बॉलर आनंद भाई की आजमाइश। नियम यह है कि आप एक ही ओवर में दो नो बॉल डालेंगे तो फिर आपको रुकना पड़ता है, आपको फिर बॉलिंग करने की इजाजत नहीं मिलती। अब आनंद भाई आएंगे तो पहली गेंद जो फ्री हिट वाली है, यानी कि इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिर्फ रन आउट हो सकते हैं, बाकी किसी तरह से आउट नहीं हो सकते। बिल्कुल आजादी वाली गेंद है, मन चाहे उस अंदाज से आप खेल सकते हो इस गेंद को। इस बार गेंद को मोड़ दिया है वाइड स्मिथ विकेट की ओर, फील्डर तो वहां पर तैनात थे लेकिन दो रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट, अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी क्योंकि अगर उस एरिया में गेंद थोड़ी सी मिस फील्डिंग करते आप तो सीधा बाउंड्री को हलो कर देती है। इस बार ब्लॉक हॉल में खेलने के प्रयास में जारी आनंदाज से स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद को उड़ाना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। कामयाब हुए तो बॉलर उनके विचारों को विश्राम मिला बल्लेबाज को और अगली सोच के साथ बॉलर चल दिए मकाम पर। यह अच्छी गेंद थी लेकिन दिशा से भटके कुल दो रनों का इजाफा, 69। अभी भी दिल्ली काफी दूर। पुष्पा देखिए अगर आपने बताया था कि इसमें किसी का प्रवेश होना जरूरी है, युवराज सिंह का या आप किसी का भी बोल सकते हो, रिंकू सिंह का, लेकिन ऐसी कोई बात हो नहीं रही। सही कहा आपने। और देखिए ये ओवर की समाप्ति तो मेरे गांव की टीम है तो थोड़ा बहुत फीलिंग्स है, मैं भी यहाँ पर उसका उत्साह प्रेरित कर रहा हूँ लेकिन वो बात उनके जहन में फिट नहीं हो रही है। देखिए फिट होना ना होना क्रिकेट की अनिश्चितताओं में छुपी हुई कहानी होती है उपेन व्यास जी, क्योंकि अगर इंसान ठान ले हौसले अपने बनाए अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तो वो मैं कहूँगा कि मंजिल दूर नहीं होती, अपने कदमों के नीचे होती है मंजिल, क्योंकि रास्ते पर चलना है आपको। अगर हिम्मत रखकर आप चलोगे एक विश्वास के साथ तो मैं कहूँगा कि किस्मत आपकी चमकेगी और ये चमचमाती जो टोपी है वो जो KGF का जो सोना था ना, जो सीप डूबा KGF में, तो बालकृष्ण जाडेजा आज ही गए थे बेड़ी बंदर में,
समुंदर में उड़ी मार के थोड़ा सा सोना निकाल कर ये कप में लगाया है, मैं गाऊंगा तो केजीएफ का सोना इस कप के अंदर जुड़ा हुआ है, तो इसे हासिल करने के लिए मैं कहूंगा कि गुट बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अकेले अकेले के दम पर आपको खेलना होगा। और अगर आप अकेले खेलोगे वन मैन आर्मी बनकर तो कहानी पूरी तरह से आपके लपेटे में आ सकती है, क्योंकि जीत का परचम लहराने के लिए 100 लोगों की जरूरत नहीं है, अकेला पुष्पा काफी है। तो चलते हैं बीच मैदान में, तो वजूद आपका आपके हाथों में है, ताकत आपको झोंकनी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तो दम दिखाना होगा क्रिकेट के खेल के तजुर्बे का, क्योंकि तजुर्बा है, हिम्मत है, हौसला है, अनुभव है, तो मंजिल आपके कदमों के नीचे। अनुरत सिंह जाला है गेंदबाजी पर, बल्लेबाज सामना करेंगे, चले दूर वाले छोर से, उड़ाना चाहते थे और उड़ाया भी है फील्डर, लेकिन मौजूद है मिस्टर कल्पेश दलवाड़ी उर्फ कपू, और यहां पर एक पुराना चावल क्रिकेट का मिस्टर अनुरोध नाला, रन आउट के रूप में वसीम का विकेट गिरा है, नए बल्लेबाज का नाम देना होगा आपको, तुसाल, नए बल्लेबाज तुसार, चले अनुरुद्ध सिंह झाला, अच्छी गेंद, रेनिस को सोचना होगा, पूरी जिम्मेदारी रेनिस के कांधे के ऊपर है, कम से कम 8 सिक्स लगाने हैं आपको, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, जो डर गया समझो वो अपने घर गया, कि जीते जी ना हार माननी है और ना ही हथियार डालने, मैदान में उतरे तो जब तक आखिरी गेंद बचेगी तब तक कांटे की टक्कर रेनिस को देनी होगी अनुरुद्ध सिंह की गेंद पर, तो ऐसा ही मैं कहूंगा स्ट्रोक खेला है, लेकिन वहां पर मौजूद है मिस्टर दल, बूम बूम, गलती की कोई उम्मीद नहीं है वहां से फील्डिंग द्वारा, डीप लॉन्ग ऑन पर आरिफ दल मौजूद है, तो एक ही रन मिलेगा। अब नए बल्लेबाज तुषार डग आउट में जब बैठे थे तब तुषार ऐसा कहते थे कि मैं 3-6 लगाऊंगा, लेकिन ये हल्के हाथों से धकेलना शुरू किया है, खाता खोला है 1 रन से, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर बल्लेबाजी आप करोगे तो वापसी आप जरूर करोगे, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट की बारीकियां, मैं कहूंगा कि कोई खिलाड़ी नहीं समझ पाया और ना समझेगा, इसमें सही टाइमिंग सही एफर्ट की जरूरत है, लेकिन गेंदबाजी में कहूंगा अनुरुद्ध सिंह झाला की तारीफ काबिल है, सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उम्र का एक पड़ाव जरूर उन्होंने पार किया है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, इतना आसान नहीं रहेगा रेनिस के लिए अनुरुद्ध सिंह झाला के विरुद्ध खेलना, क्योंकि ये क्रिकेट के वो चीते हैं, वो शेर हैं, वो टाइगर हैं, वो बब्बर हैं,
जिन्हें लोग जाला के नाम से जानते हैं, और जाला ने क्लीन बोल्ट रेनिस का विकेट लिया है, वैसे ही कोई इंसान तारीफ नहीं करता है, क्योंकि लोग बिग विकेट नए गेंदबाज पार्थ और नए बल्लेबाज का नाम जीतू और गेंदबाजी पर पार्थ। सामना करेंगे तुषार, पार्थ के सामने तुषार और नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर जीतू, लेकिन अच्छी सफलता दिलाई है मिस्टर अनुरुद्ध सिंह जाला ने, वो पुराने खिलाड़ी हैं इसलिए उनकी तारीफ बनती है। उम्र का एक पड़ाव मैं कहूंगा कि क्रिकेट को दिया है, तो नतीजे में अभी भी वो ताकत रखते हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने की अपनी गेंदबाजी से। ये तजुर्बे होते हैं जो जिंदगी में काम आते हैं, अनुभव। जिंदगी में अगर कुछ चीजें सीख देती है तो यहां पर मैं कहूंगा विकटों से लगती हुई गेंद तुषार, मैं कहूंगा आते हुए, कहते हुए कहूं तो आउट थी गयो हमारा भाई। तो जो उम्मीद थी गेंदों में 68 रनों की जरूरत, और ये मिड विकेट क्षेत्र पर बाउंड्री निकलने का मौका है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। भोजानी नए बल्लेबाज है, तो यहां पर अब 15 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है। ये बल्लेबाज अमरेंद्र बाहुबली है, आसानी से कर लेंगे, 12 सिक्स दाएं हाथ से मारेंगे, लेकिन ये प्लेट प्लेट कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की तरह, तो कहानी लपेटे में आ सकती है। जहां तक मैं सोच रहा हूं वो एक रन लेना चाहते, एक ले लेते, लेकिन भोजानी कहते ना मारा भाई, ना तू याद रे, ना ऐसा कहते हुए जीतू भाई घणु कीधु भाई, भले ने एक एक आवे जे, पण जीतू भाई ने भोजाणी भाई एम कीधु को रेवा दियो ने बापू हूँ मारूं जू जोका छका। ऐसी बातें होती हुई गुजराती में, काठियावाड़ी मैच चालू है सांसद खेल महोत्सव, तो चलते हैं बीच मैदान में, लेकिन खेला फील्डर मौजूद है, एक रन, दूसरे रन की ना तो उम्मीद और ना ही कोई गुंजाइश है। अभी भी रन लेना चाहते हैं, लेकिन 108 की सुविधा मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है मैं कहूंगा मौजूदा सरकार द्वारा, किसी भी तरह की कमी नहीं रखी है जनताओं के लिए, फ्री अनाज, हर घर में नल, रास्ते, पानी का निकास, काम बोलता है, क्योंकि विकास के सामने कोई दिखा नहीं सकता। एक बार फिर से
अब गेंदबाजी का छोर जीतू भाई संभालेंगे, सामना करेंगे मिस्टर भोजानी। अच्छी गेंद, अभी भी मैं कहूंगा कि मौका है, अगर बड़ी हिटें आप लगाते हो ताबड़तोड़ तो मंजिल दूर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क होना जरूरी है। कहानी धीरे धीरे लपेटे में आ चुकी है, एक तरफा कहानी है, लेकिन जीतेगा वही जिसकी किस्मत में जीत लिखी है। कोशिश आप कर सकते हो लेकिन कहानी एक तरफा हो चुकी है। लेकिन जीतू भाई अभी भी रनिंग करते हुए गाड़ी तो काटी लिया अपने, जे थावानू हसे ही था से उभर एवादी काई नहीं था, ऐसी सोच रखकर सिंगल लेते हुए। लेकिन बड़ी हिट अगर आप लगाते हो तो आपके ध्रोल के पॉन्सर ये कहते हुए कि अगर जीतू भाई बड़ी हिट लगाएंगे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा 1 किलो जामुन। लेकिन संभलते संभलते आपको खेलना होगा। जीतू भाई पगड़ी सर सलामत तो पगड़ी हजार है, जिंदगी के अंदर खुद से बढ़कर कुछ नहीं है। खेला है यहां पर देखिए, रन लेना चाहते थे लेकिन कोई मौका दिया नहीं है अनुरुद्ध सिंह झाला ने, अगर वो चाहते तो फंसा सकते थे। जीतू भाई के मैं कहूंगा कि सिंगल रन लेने का बहुत ही उतावलापन है उनके अंदर। अच्छी गेंद, केतन नाकवा है विकेट कीपरिंग पर। अब 6 गेंदों का खेल बचा है तो कहानी पूरी तरह से लपेटे में है। एक तरफा गेंदबाजी पे मिस्टर पार्थ रहेंगे। 5 मिनट पहले फोन करना था ना, अब जिंदगी जा चुकी है, तुमने भी तो मेरी तरह 5 मिनट लेट फोन किया होगा भाई, उस टाइम कितना क्या दे। मैं आदमी अलग है, मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आया हूँ, राज करने के लिए आया हूँ मैं। कमेंट्री बॉक्स में झुकेगा ना। अब लाख कोशिश कर ले, दिल्ली दूर है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि चकते पत्ते नब्दे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली। डर हार का होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए। ये बाउंड्री निकलेगी क्योंकि अपनी आई लोग बाजी में इतना वजन है कि गेम तो पता चल जाता है। पुष्पा ने बाहर 4 रनों के लिए जाना है। सांसद खेल महोत्सव चौका, ये काठियावाड़ी है और गुजरात सौराष्ट्र, मैं कहूंगा घटे तो जिंदगी घटे, बीजू तो काई ना घटे, ये मैं कहूंगा कि जिंदगी जीने का एक तजुर्बा हुनर है। वाइट गेंद यहाँ पर अंपायर ने दिया है, तो अगर मैं शुद्ध गुजराती में आपको बताना चाहूँ तो जिंदगी का टेंशन लेना नहीं है, जिंदगी को टेंशन देना। घटे तो जिंदगी घटे, बीजू तो काई ना घटे। हर पल के साथ बीते हुए कल की कहानी खत्म होती है, तो ना तो बीते हुए पल के बारे में सोचना और ना ही आने वाले कल के बारे में, जो है अभी है, इसी वक्त है, इसी पल है। सांसद खेल महोत्सव में ट्रॉफी 2024 की हासिल करने की जंग, 7 तारीख से 2 क्वार्टर 1 सेमी, 8 तारीख को 2 क्वार्टर 1 सेमी, 9 तारीख को मेला लगेगा। भीड़ इतिहास रचेगी, खेला है लेकिन
शक्तिराज जडेजा फील करना चाहते थे लेकिन फील किया है मिस्टर आरिफ दल बूम बूम लोंगोन पर। बिल्कुल पास आ चुके हैं केतन नाखवा, लेकिन बल्ले से दूर रहना है आपको। आखिरी पल पर कोई ऐसी गलती मत कर देना क्योंकि तजुर्बे के साथ आपको खेलना है। कहानी अगर पूरी तरह से लपेटे में है तो फिर गलतियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खेल फिटनेस इम्यूनिटी का जरूर है, लेकिन इसमें गिरना संभलना भी आपको खुद को है। डीजे ब्रावो चैंपियन, ब्रावो डीजे, ब्रावो जीएमसी ने मैच डीजे, ब्रावो जीता, ब्रावो तो आज दो सेमी और एक फाइनल है। तो एक टीम जीएमसी जीत दर्ज करके फाइनल की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। अब अगली टीम कौन सी आगे जाती है ये देखना मैं कहूंगा कि बाकी है। चलते हैं बीच मैदान में। जय
सलामी जोड़ा जल्द से जल्द भेज दीजिए आप, क्योंकि पारी की शुरुआत तगड़े ओपनर आपकी टीम में जो है उन्हें भेजकर शुरुआत करें। अपनी पारी की सलामी जोड़ा भेज दीजिए भाई साहब। सलामी जोड़ा मैदान में जाता हुआ, दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं अपनी टीम के। तो ये सांसद खेल महोत्सव आज के दिन का मुकाबला, दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला, इसके बाद फाइनल रहेगा। जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी।